दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि दिल्ली में BSF यानी कि वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विस कहाँ पर है, जहाँ पर सऊदी जाने के लिए बायोमेट्रिक करवाना पड़ता है, और बायोमेट्रिक करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट यानी कि पेपर क्या क्या लगता है, और फीस कितना लगता है, वहाँ के स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, अगर आपका भी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट है तो कितने बजे आपको जाना चाहिए, ये सब जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है दिल्ली का न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन, जो ब्लू लाइन है। इस मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में एक DMRC बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग में सऊदी जाने के लिए बायोमेट्रिक होता है। मेट्रो से यहाँ उतरने के बाद स्टेयरकेस से नीचे जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। बाहर आने के बाद अगर आपके पास कैश पैसे नहीं हैं तो आप स्टेयरकेस से सीढ़ी के द्वारा ही नीचे जाइए, क्योंकि सीढ़ी से नीचे जाने के बाद जस्ट बगल में ही पंजाब नेशनल बैंक का ATM है, आप वहाँ से कैश पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि BSF वाले इस सेंटर पे कैश पेमेंट ही लेते हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते हैं। तो आप बेहतर है कि पंजाब नेशनल बैंक से अपना कैश निकाल लीजिए। अगर आप लिफ्ट से नीचे जाना चाहते हैं तो बाहर आने के बाद इस रास्ते से लिफ्ट के पास जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो यह है लिफ्ट। लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर जाने के बाद बाहर हो जाएंगे। उसके बाद थोड़े दूर चलेंगे, उसके बाद टर्न लेंगे, तो देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं जो बायोमेट्रिक करवाने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों, यह है न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन। हम लोग मेट्रो स्टेशन के नीचे आ गए हैं। इसके जस्ट बाजू में ही DMRC का बिल्डिंग है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस बिल्डिंग में ही फर्स्ट फ्लोर पर SBI का ऑफिस है और सेकंड फ्लोर पर वीज़ा सर्विस सेंटर है। दोस्तों, अगर आप भी बायोमेट्रिक कराने आ रहे हैं तो आपके अपॉइंटमेंट लेटर पर जो डेट और टाइम दिया है उसी के अकॉर्डिंग सेंटर पर आएँ। जब आपका टाइम होगा तो माइक में अनाउंस करते हैं, 9 बजे वाले लाइन में खड़े हो जाएं। अगर आपका टाइम दूसरा रहेगा तो नहीं जाने देंगे। जब आपका टाइम होगा तभी आप जा सकते हैं, वरना यहाँ पर बाहर खड़ा ही रहना पड़ेगा। देख रहे हैं सब लोग खड़े हैं जिसका टाइम नहीं हुआ है, इसीलिए आपका जब अपॉइंटमेंट टाइम हो उसके आधा या 1 घंटा पहले ही सेंटर पर आएँ। अगर आपका अपॉइंटमेंट डेट 2 या 4 दिन बाद है और आप जल्दी कराना चाहते हैं, तो कभी कभी अगर स्लॉट खाली रहता है तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेकर BFS वाले बायोमेट्रिक आपका कर भी देते हैं। जब आपका टाइम होगा तो सिक्योरिटी गार्ड वाले आपको लाइन में खड़े होने के लिए बोलेंगे, उसके बाद वन बाय वन करके आपका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और उनके पास एक लिस्ट होगा, उसमें आपका नाम चेक करेंगे और पूछेंगे 470 रुपये कैश है ना। अगर आपके पास 470 रुपये कैश होंगे तभी आपको ऊपर जाने के लिए बोलेंगे, क्योंकि बायोमेट्रिक कराने के लिए 470 रुपये लगते हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते हैं। अगर आपको बायोमेट्रिक का प्रोसेस अर्जेंट वाला करवाना है तो 1500 रुपये चार्ज लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड वाला अंदर भेजेगा तो यहाँ सीढ़ी से ऊपर आएंगे। सेकेंड फ्लोर पर भी आपको लाइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपका और आपके सामान का नॉर्मल चेकिंग करेंगे, उसके बाद ही अंदर जाने देंगे। अंदर जाने के बाद टोकन के लिए लाइन लगवाएंगे। वहाँ सिस्टम पर 2 बंदे होंगे जो आपका डिटेल एंट्री करके आपके पेपर के ऊपर ही टोकन नंबर लिख देंगे। उसके बाद अंदर वेटिंग हॉल होगा, जो वहाँ पर बैठने के लिए सिक्योरिटी गार्ड वाले बोलेंगे, और नंबर वाइज आपको जो केबिन खाली होगा उसमें बायोमेट्रिक करने के लिए भेजेंगे। केबिन में मेल या फीमेल स्टाफ होंगे,
आपका ओरिजिनल पासपोर्ट मांगेंगे और पासपोर्ट को स्कैन करेंगे और दोनों हाथ के चारों उंगली और दोनों हाथ के अंगूठे का फिंगरप्रिंट लेंगे और फोटो खींचेंगे। उसके बाद इस टाइप का स्लिप निकाल कर देंगे। वहाँ 10 मिनट में ये लोग बायोमेट्रिक कर देंगे। वहाँ से बाहर निकलने के बाद पेमेंट करने के लिए दूसरे तरफ दूसरे काउंटर पर भेजेंगे। वहाँ स्लिप देने के बाद 470 रुपये मांगेंगे। पेमेंट होने के बाद अंदर सिक्योरिटी गार्ड वाले ही चेक करेंगे कि आप पेमेंट जमा किए हैं या नहीं किए हैं, उसके बाद ही बाहर जाने देंगे। दोस्तों, अब जानते हैं सऊदी का बायोमेट्रिक कराने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर की फोटोकॉपी, दूसरा मोफा या वीज़ा की फोटोकॉपी होना चाहिए, ब्लैक या वाइट बैकग्राउंड भी चलेगा, बस क्लियर दिखना चाहिए, और ओरिजिनल पासपोर्ट, ये तीन चीज़ आपके पास होना चाहिए, तभी आपका सऊदी जाने के लिए बायोमेट्रिक होगा। अगर गमका का पेपर आपके पास है तो उसके अपने पास ही रखिए, ऐसे तो उसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। बायोमेट्रिक कंप्लीट होने के बाद वीज़ा स्टम्पिंग के लिए ओरिजिनल पासपोर्ट, गमका का ओरिजिनल पेपर, बायोमेट्रिक का स्लिप, वीज़ा पेपर और फोटो जो आप वीज़ा लगाने के लिए दिए हैं, ये सब होना चाहिए, तभी आपका स्टम्पिंग होगा।